अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन क्या हाल चाल, ठीक ठाक नाज़रीन? नाज़रीन आज का हमारा मौजू है कि सिलाई मशीन आवाज़ क्यों करती है, इसकी आवाज़ कैसे बंद की जा सकती है। अक्सर मशीन जो सिलाई वाली है वो आवाज़ बहुत करती है, तरह तरह की इसमें आवाज़ें आती हैं। तो आपने सिलाई मशीन को कैसे ठीक करना है, इसकी आवाज़ कैसे बंद करनी है, आज का हमारा यही टॉपिक है। प्लीज़ मूवी देखने से पहले हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं मूवी की तरफ। नाज़रीन देखें, मैंने आपके सामने सिलाई मशीन चलाई है, इसमें आवाज़ें तरह तरह की आ रही हैं। तो अक्सर रात में जब आप सिलाई मशीन कपड़ा सीते हैं तो काफ़ी सारी मशीन आवाज़ करती है, चलाने वाला तो चलाता है लेकिन जो आसपास कमरे में या आपके आसपास सोए होते हैं वो उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो आपने इस मशीन की आवाज़ कैसे बंद करनी है, सबसे पहले आपने इस मशीन को डब्बे से बाहर निकाल देना, ऐसे उल्टे कर लेना, ये देखें। जी आप क्रैंक देख रहे हैं, नीचे लठ देख रहे हैं या दंदा लठ, और ये नमदा है। इसमें जो प्ले देख रहे हैं आप, ये देखें, अभी ये देखें, इसमें भी काफ़ी लूजिंग है, ये देखें, कुछ इसमें आवाज़ आ रही है और कुछ ये वाला पुर्जा है, ये दंदा लठ वाला, इसमें भी आ रही है, देखें काफ़ी सारी प्लेयर है इसमें लूजिंग। अपने इस सिलाई मशीन की आवाज़ कैसे बंद करनी है, इसकी लूजिंग कैसे कम करनी है, एक पन्ना आपने लेना है 14 नंबर और एक 10-11 जैसे, देखें ये 14 नंबर और 10-11, ये देखें दोनों। सबसे पहले आपने इसको टाइट करना है, इसकी लूजिंग ख़त्म करनी है, फिर इसकी ये 14 का नट आपने लूज कर लेना है और थोड़ा सा घुमाना भी है, तो मशीन बिल्कुल जाम नहीं करनी है आपने, थोड़ा सा आपने सारी मशीन को टाइट करना है। ये मैंने थोड़ा टाइट कर दिया इसको, आप इसको करना है आपने 10-11 चाबी जो लगती है यहाँ पर, ये पन्ना 10 का, थोड़ा इसको आपने हल्का टाइट करना है, ये देखें आदि, ये मैंने टाइट किया है, अब इसमें लूजिंग काफ़ी कम हो गई है, ये देखें। ये ठीक हो चुका है, ये मैंने एक बार ये वाला पेच नट टाइट किया और एक वाला ये किया, नाज़रीन ये वाला हिस्सा तो टाइट हो गया, ये वाला टाइट करना है, 9 नंबर पाना लेना है, पाना या चाबी कोई भी हो, इसको आप 9 ले लें, 10 लें कोई भी, इसमें नट दो किस्म के होते हैं, 9 नंबर भी होते हैं और 10 नंबर भी होती है, ऐड कर लें और इस पेज को लूज करें थोड़ा सा, थोड़ा खोलें और हैमर की मदद से आपने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ करना है ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। इसका ये फायदा होगा, ये आप ये लूजिंग देख रहे हैं, ये टैर देखें, ये मैंने अंदर किया और ये क्रैंक जो आपको नज़र आ रही है छोटी नालट वो टाइट हो चुकी है, देखें पहले लूज थी अब टाइट हो चुकी है, टाइट कर देना, ये दोनों तो हो चुकी हैं, दनाला फीमेल टाइट कर दिया, नमदा भी कर दिया, अब ये बुकलेट रह गया, इसको अपने ये देखिए, अब इसकी आवाज़ है,
यहाँ से आपने पाना लगाना है और यहाँ से आपने टाइट करना है। थोड़ा सा आपने टाइट करना है, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा हल्का करना, थोड़ा हल्का लेते हैं। ये भी हो चुकी है, अब आप ये वाली सेंटर वाली ये रह गई है, आप इसको भी टाइट करना है, यहाँ पर पेस्ट कर सकना है और इसको लगाना है ऐसे। ये भी हल्की सी हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो जाम हो जाएगी मशीन, बस हल्के सी आपने इसको टाइट करना है। अब आपने क्या करना है, सारी मशीन पर आपने ऑयल देना है, जहाँ जहाँ आपने पेस्ट टेस्ट किए हैं वहाँ पर आपने ऑयल लगाना है, यहाँ पर लगा दें और यहाँ पर भी आपने ऑयल लगाना है, सफाई करनी है पहले आप। ऑयल लगाएं, वहां से जाए और ऑयल लगा दें, ये वाला ढक्कन खोले तो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर इसको भी आपने ऑयल लगाना है, जो चाल को कम करती है बढ़ाती है, इसको भी लगाना है। आई लगा दिया सारी मशीन को, पहले से काफ़ी आवाज़ कम हो चुकी है, पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ थी मशीन की, छोटे मैंने जो नीचे लट थी सदा लट दमदा बुक लट छोटे मैंने टैट किए हैं, आई लगाया और मशीन की आवाज़ कम हो गया। ना दिन आपने भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया, फिर मैंने फिर इसको लगा दिया, वापस इस डब्बे में डाल दें, वापस डाल दिया, देखिए अब आवाज़ काफ़ी फर्क पड़ चुका है, पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, अब आवाज़ ठीक हो चुकी है। ऑयल मैंने दिया, सफाई किया और छोटे नट काबले इसके से वो टाइट किया, थोड़ी सी इसकी जो अंदर लट चलती है जिंदा लट गुक लट और नमदा मैंने टाइट किया। आ दें ये था हमारा आज का मौजूद कि मशीन आवाज़ क्यों देती है, इसकी क्या वजूहत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नई वीडियो का इंतज़ार करें, नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।